मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अचानक रात 11 बजे ग्वालियर पहुंचे और एक शादी समारोह में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान रात में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 12 बजे भोपाल के लिए रवाना हो गए। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया एक साथ भोपाल से ग्वालियर पहुंचे, जहां रात लगभग 11 बजे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित सभी बड़े नेता पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित सभी नेता लगभग आधे घंटे तक शादी समारोह में शामिल हुए और वरवधु को आशीर्वाद देकर भोपाल के लिए रवाना हो गए। आज दोनों वर और वधु को शुभकामनाएं देने हम लोग आए हैं और उनकी दोनों साथ में बहुत जबरदस्त जीवन रहे। शुभकामनाएं उदय भान जी को, जय भान जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बेटे के विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। वर और वधु दोनों सुखी रहे, निरोग रहे, उनका मंगल और कल्याण।